सो रहा है। ओ हमारी टैबलेट पीछे चली गई, शिट। ये सो रहा है अभी, उठ के माथे से उठा के लाई हूँ, फिर यहाँ पे आके बदतमीज सो गया। और देखो चाय ये रखी, ठंडी हो रही है, और देखो कितनी गहरी नींद है। अरे नहीं सो क्या ये मोटी टेबलेट निकाल पाएगी, देखिए अगले एपिसोड में। ये देखो नाया की डिमांड पे इनके पापा बना रहे हैं इनके लिए पनीर, मतलब पनीर फ्राई कर रहे हैं। कच्चा पनीर बहुत खाती है ये। पहले ये तो कंफर्म कर लो घर में पनीर है भी या नहीं है। देख लू फ्रिज में रखा है, ये देखो मेयोनीज के बीच में देखो रखा है। नहीं नहीं फाइनली शुक्र है कि पनीर है, नहीं तो एक बंदे को नीचे ही जाना पड़ता था अभी पनीर लेने। इतना पनीर खा दिया ये, और पनीर नहीं मिला तो बस घर में कोहराम है। कल वाला आपने ब्लॉग देखा था तो एटलीस्ट अच्छी बात है ना। अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा था तो मासूम की शक्ल पे मत जाइएगा। ये लेटे लेटे पकौड़े खाते खाते टीवी देख रही थी, उसका ध्यान पकौड़े पे था ही नहीं, और पकौड़े खत्म हो गए। इतना रोई है कि तुम लोगों ने खा लिया। हम लोग बाहर थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे बाहर, कुछ शॉर्ट वगैरह कर रहे थे, मैंने ब्लॉग में दिखाया था। चाचू ने नहीं लिया था बेटा, किसी ने नहीं लिया था, आप खुद खा के भूल गए है ना। इतना तुम टीवी में मगन थी बेटा, ये बेबी बस देख रहे, बेबी बस देख रही थी टीवी में, इतना मगन थी देखने में। लेटे लेटे मैडम को यही होश नहीं कि मैंने अपने पकौड़े खा लिया है ना, और इतना रोई हो तुम्हारे चक्कर में ब्लॉग मेरे को आधा एडिट करना पड़ा, वरना वॉयलेंस आ जाता कि बच्चे को इतना क्यों रुला रहे हैं। देखो मासूम की शक्ल पे जाइएगा, ये मासूम नहीं बहुत खूंखार है। देखो अरे यार दिखा दा। दिखा। अरे यार ने तो ये दे दिया कोला कोला। हेलो गाइस कर दो सबको, हेलो गाइस नहीं करना मुझे, हेलो गाइस एक बार कर दो। अरे अरे यार कच्चा मुझे कर दो। अरे मेरी मम्मी की बिटिया नहीं हो? अरे एक बार कर दो। अच्छा सबको फिर सब लोग ऐसे कर दो, हेलो गाइस मुझे सब नाराज हो जाएंगे, आपको देखेंगे नहीं ब्लॉग में। एक बार कर दो हेलो गाइस, हेलो गाइस मुझे बंद नहीं करना है। एक बार उंगली डाल तो नहीं चाय में, मैं भी आंखें मल रहा है, बदतमीज आदमी कितना सोता है। यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने दिन भर सोना, वो तो खानदानी है। देखा मान लिया जो सोचते ना खानदानी है, खाना कम मिले तो एक सोता रहता है इनके। देखो एक सोता रहता है, एक को कपड़े ना पहनने की बीमारी। आप ब्लॉग में जाता है ना, शर्टलेस देखेंगे। इतनी अच्छी इनकी बॉडी है, इतनी अच्छी इनकी बॉडी है। देखो कैसे इधर इधर मुझे मारती है अब। इन दोनों को ब्लॉग बना रहा था, इन दोनों का देखो कितना चुरती है। आना मत कट्टी कट्टी, अब आना मत, अब पापा चले जाएंगे, फिर जब चाचू बात नहीं करेगा फिर तुम रोओगी। हाँ फिर रोना मत, ठीक है पक्का? हाँ पक्का, प्रॉमिस। हाँ चलो ओके बाय। ये रहा पनीर जिसके पापा ने इसे फ्राई करके दिया है, और ये मैडम यहाँ खा रही है पनीर। ये अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ पापा ने कैसा बनाया, पापा ने कैसा बनाया, पापा ने कैसा बनाया? अच्छा अच्छा, देखो चीज है। कैसा चीज है दिखाओ, देख इसमें देख तो। मतलब भाभी क्या कर रही है? मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, दाल मैंने बॉईल करने रख दी है, और ये काट रही हूँ भिंडी। बनेगा आज दाल भिंडी की सब्जी, चावल रोटी, चावल रोटी जो कानू को खाना पड़ेगा। चलो देखो तू कानू कानू ठीक क्या होता है, शाम को पिज्जा खाना है। कानू हो गई अपने गुस्से में, कानू क्यों आप इतने गुस्से में हो? कानू आप क्यों गुस्से में हो? क्या खाना है? घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाहर का अच्छा लगता है? क्या क्या अच्छा लगता है? वही सोफे भी पड़ा है। अनाया ने मॉर्निंग में हन्नू कर लिए आज, क्योंकि ये आज जा रहे थे ऑफिस, इन्होंने मैंने कहा आज तुम नहला दो मुझे बहुत काम है, तो मॉर्निंग में इन्होंने नहला दी अपने साथ, तो आज रेडी है ये नहा के। वो तो शाम को जाएंगे ना हन्नू की ना, और यहाँ ये जा रहे हैं ऑफिस। बाय पापा, मैं टॉयलेट भी हूँ।
ये देखो इनकी फेवरेट जगह है सीट ऑफ बेड के बच्चा शूज पहनते हैं, घर में शूज अलाउ नहीं है। हाँ आज्ञाकारी पति है भाई मेरा, मिलिए मेरे आज्ञाकारी पति से, भगवान करे दुनिया में ऐसा पति किसी को ना मिले, सिर्फ मुझे मिले। ये है हमारे ब्लॉग की हेडिंग। बोलो मैं छुड़ैलों की तरह हंसती हूँ, लोग कहते हैं ये देखो मम्मी से मिलाओ, मम्मी याद कर रही है किसकी, किसकी क्या तुम दोनों की मम्मी अलग अलग है क्या पागल? मेरी मम्मी अच्छी है। तुम दोनों साथ में खड़े हो ना, एक सेकंड खड़े हो जाओ। कौन है? नहीं अब बताओ, ये दोनों शक्ल से भाई लगते हैं? अभी बीच में एक मिसिंग है, उसको खड़ा कर दो तो तीनों किसी एंगल से भाई नहीं लगते। I love you. चलो नीचे कोला भी जाम को पिलाते हैं। कीर्ति कान को नहीं जा रहा, नहीं नहीं आजा कानू, आजा नहीं जा रहा। बाय 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 मेरी कानू, आजा 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 आजा, चलो बाय। दीपावली खत्म, दिवाली खत्म, अभी लड़ियां लगाई थी, अब निकाल रही हूँ फाइनली। इधर अच्छे बैठ के दवाई सॉर्ट कर रहा है, आज कार्टूनों में भर रहा है सारी दवाई अलग अलग करके। यार मैंने शाम को चाय रख दी, इनके ऑफिस से आने का टाइम हो गया, ये लेट हो गए और फिर नॉर्मली जल्दी आ जाते हैं, बट आज लेट हो गया तो चाय रख दिया है मैंने, आ ही रहे होंगे। उसके बाद आज हमें जाना है कानू को लेके, कहाँ जाएंगे? हाँ आज पापा मॉर्निंग में बोल के गए थे बेटे को रेडी करना, पिज्जा खिलाएंगे आज। अब बस इनके आने का हम वेट कर रहे हैं, चाय वगैरह तो मैंने रख दिया पीछे जैसे कि आपको दिखा दिया, और आज कैसे गए थे अनाया को रेडी रखना क्योंकि कल रो रही थी मम्मा मुझे पिज्ज़ा खाना, आज इसमें सुबह से पिज्ज़ा के चक्कर में बंदी ने खाना नहीं खाया कि शाम को पिज्ज़ा खाने जाएंगे, है ना? ये देखो ऐसा है ना कुछ, हाँ। ये देखो अब वो मानेगी तो है नहीं, तो अभी मैं तो रेडी हूँ, इसको रेडी करूँगी मैं थोड़ी देर में, जब तक वो चाय पियेंगे तब तक मैं इसको रेडी कर दूँगी। या मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके और देखो कानू के साथ खेल रहे हैं, और मैंने चाय बना गर्म हो रही है, अभी चाय बना के रख दी थी, अब गर्म हो रही है तो इन्हें दूंगी अभी चाय, फिर जाएंगे आज हम। कानू आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्या? नहीं बताऊंगी। कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता। अर्शु तो आई नहीं अपने घर, उसने किसी ने अर्शु बोल दिया। तुम कहाँ जा रही हो आज? नहीं बताओ। अरे यार इधर चाय छान के दे दिए लोग, अब ये बैठ के आराम से चाय पियेंगे ये लोग, फिर हम जाएंगे। यहाँ हम जा रहे हैं फाइनली प्लान थर्स का पिज्ज़ा का, बट हम जा रहे हैं बीकानेरी क्योंकि वहाँ पे भी पिज़्ज़ा मिल जाएगा इसके लिए, फिर हमारे पास भी अदर ऑप्शन रहेगा। और इधर हमने ओला कर ली थी और ओला में बैठ के जा रहे हैं आराम से, और इधर रास्ते में आपको दिखा दूँ मेला भी लगा हुआ है, ये देखिए मेला लगा हुआ है, कल या परसों इसका भी ब्लॉग बनाऊँगी। रोड के उस साइड है बीकानेरी और यहाँ रोड ही इतना चलती है, हाईवे है तो इसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और अनाया देखो कैसे पापा के कंधे पे बैठी हुई है, उसको तो बस जरा सा भी चलने को बोलो तो कहेगी पापा अपने कंधे पे बैठा लो, वहाँ पे बैठ जाती है, और सामने आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आते ही चाचा और भतीजी लगे हैं अपनी फ़ोटो सेशन में, इनका फ़ोटो यहाँ पर ले रहे हैं ये, और ये आप देख लीजिए पूरी लोकेशन।
और यहाँ हम आ गए थे बीकानेरी, जैसा कि आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे ये जा रहे हैं ऑर्डर देने, और यहाँ पे अंदर का ब्लॉग इन्होंने अलाउ कर दिया था। डांसी कर दो, टेबल पे रख देना जब। चलो मम्मा के पास चलो। क्या कर रहा है? वो पिज्जा के साथ खाना था। चलो चलो खाने, चलो मम्मा। ये फोटो एडिट आती है। ये आ गया कानू का पिज्जा। क्या आया आपका पिज्जा? आ गया कानू, किसने पैसे दिए थे आपको? अक्षय पानी पूजा खत्म करते हैं पूरा फाइनली इनका खाना दोनों का। यहाँ पे हमारा डिनर फाइनली हो गया है। अनाया ने अपना पिज्ज़ा खाया, इन्होंने अपने लिए मंगाई थी राज कचौड़ी और खाना, और मैंने तो अभी मुझे कुछ खाना नहीं है तो मैं कुछ खा नहीं सकती। और फाइनली हमारा डिनर हो गया था, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। अब थोड़ी देर बाहर यहीं घूमेंगे, काफ़ी अच्छी लोकेशन है बाहर भी। और क्योंकि जब हम आए थे तो ज़्यादा घूमे नहीं थे, सीधा अंदर आ गए थे, लेट हो रहा था, अनाया को भूख भी लग रही थी, तो अब जा रहे हैं बाहर थोड़ी देर घूमेंगे। ये अनाया इधर सजना सॉन्ग पे डांस कर रही है, इसको तो बस मौका चाहिए कहीं पे भी। पीछे वो लगा हुआ है पानी का,
उसकी जो वॉइस होती है उस पर डांस कर रही थी, कह रही मम्मा इस पर डांस कर लूँ। मैंने कहा हाँ कर लो। तो जर लगी अपना मस्त डांस करने में। ये देखिए पीछे पानी का जो झरना लगा है वही। ये देखो इधर अकेली, देखो कहाँ से पाइप पड़ा, उसके ऊपर से कूद के आ रही है मैडम अकेले। इसको कोई मतलब नहीं, अकेले मस्त खेल रही है। इधर मैं और अनाया अकेले मस्ती कर रहे हैं। अनाया कह रही है मम्मा मुझे राउंड रोड घुमाओ, तो मैं इसको वही घुमा रही हूँ। हमने कर लिया और काफ़ी देर हम यहाँ बाहर भी घूम रहे थे, मस्ती की, रील वगैरह बनाई हम लोगों ने, और अब जा रहे हैं घर। फाइनली हम लोग ओला से जा रहे हैं घर। ओला हमने कर ली थी, ओला से जा रहे हैं हम घर। और बस यही था हमारा आज के दिन का पूरा रूटीन। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा? और आज अनाया जिद कर रही थी, इसी वजह से हमें शाम को जाना पड़ा पिज़्ज़ा खाने। तो हमने सोचा जब बाहर जा ही रहे हैं तो ऐसी जगह जाएं जहाँ उसका पिज़्ज़ा भी मिल जाए और हम लोग के लिए भी कुछ मिल जाए। हम लोग इन द सेंस मैं तो कुछ खा ही नहीं सकती। और बस अब हम लोग पहुँच गए घर। आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो आपको तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय।